Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. Today I am going to start part 5 of chapter number 11 in the orchard. In previous part, we learned about parts of plant, types of plant and about use of flower and where do flowers grow and about the floration. Let's start with part 5. रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चर्ड एंड रतन उस ऑर्चर्ड में आगे आगे चल रही थी. शी सॉ सम पर्संस वर क्लीनिंग ग्रास इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड. उसने क्या देखा कि उस खेत में कुछ लोग क्या कर रहे थे, एक कोना था उसे साफ कर रहे थे, वहां पर से घास साफ कर रहे थे. शी वेंट देयर एंड स्टार्टेड पुलिंग द ग्रास. और वो भी वहां गई और उसने क्या किया, उसने घास उखाड़ना शुरू कर दिया, घास खींचना वहां से शुरू कर दिया. डू यू नो व्हाट हैपेंड, आपको पता है क्या हुआ. हर सॉफ्ट हैंड बिकेम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास. उसके जो नरम हाथ थे वो लाल हो गए क्योंकि उसने क्या किया था, घास उखाड़ी थी, घास खींची थी, जिसकी वजह से घास खींचने की वजह से उसके हाथ लाल हो गए थे, रेड हो गए थे. व्हाइल पुलिंग ग्रास मैनी रूट्स आल्सो केम आउट. और इसके साथ साथ जब उसने यानी घास खींची थी तो घास के साथ साथ कुछ रूट्स मीन्स उनकी जड़ें भी बाहर आ गई थी. एज यू नो ग्रास इज अ हर्ब एंड एवरी प्लांट वेदर इट इज ट्री हर्ब श्रब क्लाइंबर और क्रीपर. All plants, every plant has roots. If you will look at some trees and plants around you, then you can find every plant has roots. How deep and wide its roots are, imagine. My guess is that roots of trees go deep into the ground, while the roots of small plants like herb, shrub, creeper or climber do not grow very deep but spread under the surface of the soil. जो trees होते हैं उनके roots जमीन में नीचे तक जाते हैं, लेकिन छोटे plants होते हैं तो उनके roots क्या होते हैं, वो surface पर ही ऊपर ही spread हो जाते हैं, फैल जाते हैं. They do not grow very deep. There Ratan saw that Ramji Bhai was pulling radish. वहाँ रतन ने देखा कि रामजी भाई radish निकाल रहे, radish means मूली, रेडिस खींच कर निकाल रहे घास से. रतन आस्क्ड रामजी भाई सो ही टोल्ड. रतन ने रामजी भाई से पूछा तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा बेटा दीज आर रेडिस एंड इट इज आल्सो रूट्स. उन्होंने क्या कहा कि ये रेडिश है मीन्स मूली है और ये भी क्या है, रूट्स मीन्स जड़. सडनली रेन स्टार्टेड. अचानक से बारिश शुरू हो गई. इट वॉज रेनिंग हैवीली विद स्टॉर्म. तूफान के साथ तेज बारिश हो रही थी. हाउएवर द ट्रीज वर स्टोर स्टिल. फिर भी वो पेड़ थे वो ऐसे ही खड़े थे. व्हाई द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हैवी विंड्स इमेजिंग. क्यों तेज बारिश के बाद भी, तेज हवाओं के बाद भी पेड़ गिरे नहीं. सो रूट सपोर्ट द ट्री टू स्टैंड फॉर्मली. थस roots anchor the tree. So even if there were strong winds, the tree did not fall down due to the support given to it by roots. और अगर तेज बारिश होती तो भी roots के support से ये tree ऐसे कैसे खड़े होते हैं जिसकी वजह से वो गिरते नहीं हैं. Next one question: Why do the weather days of growing plants become fresh when they are watered? और छोटे उगने वाले प्लांट्स के मुरझाए हुए पत्ते फिर से पानी देने पर ताजे क्यों हो जाते हैं. सो आंसर वेरी स्मॉल ग्रोइंग प्लांट इज वाटर. जब छोटे प्लांट्स को पानी दिया जाता है द वाटर इज इट्स रूट. तो वो पानी कहाँ पहुंचता है, उसकी जड़ों तक. एंड रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड इट रीच द लीव्स. तो वो रूट्स होते हैं जो जड़े होते हैं वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है, वो पानी को चूस लेती हैं एंड थ्रू द स्टेम इट रीच टू द लीव्स. और ये पानी कहाँ पहुँचता है, उन पत्तों तक पहुँचता है.
फर्स्ट बैटिंग देन फ्रेश अगेन, और इस तरह यानी कि रूट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लीव्स को फिर से ताजे बनने में, रूट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं एंड रूट्स एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आल्सो एंड इट प्रोवाइड्स इट टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द स्टेम. Which plants around you need regular watering? आपके आसपास में कौन से प्लांट्स हैं जिनको डेली पानी देना पड़ता है? So plants like basil, means tulsi, rose, marigold, hibiscus, etc. need to be watered regularly. ये सारे प्लांट्स हैं जिन्हें पानी देना पड़ता है. Apart of this, some plants like creeper, climber, herbs and shrubs, which grow in their pot. They need water regularly. Ratan also came to know she had not given water to the neem tree which was grown nearby her house. She thought how the neem tree will get water then. Ratan ko achanak se yaad aaya ki usne aaj uske ghar ke paas jo neem tree hai usse pani nahi mila hai. Usse pani kaise milega? So here's one question: which plant nearby you did not require water regularly? आपके यहाँ कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें पानी की जरूरत नहीं होती डेली एंड हाउ डू दे गेट वाटर, और उन्हें पानी कैसे मिलता है? सो ट्रीज लाइक द नीम एंड द पीपल बनियन मैंगो दैट ग्रो इन आवर एरिया डू नॉट नीड टू बी वाटर रेगुलरली. ये सारे जो प्लांट्स हैं बिग प्लांट्स लाइक नीम पीपल बनियन मैंगो दिस प्लांट डू नॉट नीड वाटर रेगुलरली बिकॉज they have roots that go deep into the soil from where they get water. क्योंकि इनकी जो roots होते हैं वो काफी गहराई तक मिट्टी में जाते हैं और जहाँ से वो water absorb करते हैं. Look at the picture of the vegetables given here and find out from them which one are roots. So we can find carrot, radish and beetroot are roots. Ratan saw a plant growing from her school wall and she was surprised. So she thought how deep the roots of this tree would go. So answer is the roots of this plant go into the hollow place between bricks. They cannot go very deep. और जो plant है ये जो आप wall में देख सकते हो इसके roots वो कहाँ तक जा सकते हैं? जहाँ तक वो ब्रिक्स में जो खाली जगह है यानी वो जो ईंटों के बीच की खाली जगह है वहां तक ही वो जा सकते हैं. दे कैन नॉट गो वेरी डीप, वो ज्यादा गहरे नहीं जा सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द रूट्स गेट वाटर? ये रूट्स की जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? व्हेन इट रेन्स ड्यूरिंग द मानसून द बॉल ऑल्सो गेट वेट. जब बारिश होती है मॉनसून सीजन में तब क्या होता है, ये दीवार है वो भी गीली हो जाती है, वो भी भीग जाती है. सो द रूट्स ऑफ द प्लांट गेट वाटर फ्रॉम सच मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स होता है नमी, गीलापन. तो ये जो रूट्स है, ये जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो वाटर कहाँ से एब्सॉर्ब करते हैं? दे एब्सॉर्ब वाटर, दे गेट वाटर फ्रॉम सच मॉइस्चर. वो इस वॉल में जो नमी होती है, वेटनेस होती है, तो वहां से वो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बिग विल दिस प्लांट्स बी? ये प्लांट्स कितने बड़े हो सकते हैं? सो आंसर, दिस प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल और बिग. ये प्लांट्स ज्यादा ऊंचे या ज्यादा बड़े नहीं हो सकते. दे ग्रो एज लॉन्ग एज देयर इज मॉइस्चर इन द वॉल्स एंड their roots get water. वो कब तक बड़े होते हैं? जब तक वो वॉल है उसमें मॉइस्चर मीन्स नमी है और उनके रूट्स को पानी मिलता है. After that, these plants thrive. वो तभी तक बड़े होते हैं जब तक उनको नमी मिलती है, पानी मिलता है. इसके बाद ये प्लांट्स क्या होते हैं? सूख जाते हैं. Next one question, What would happen to this wall? और ये wall का क्या होगा, इस दीवार का क्या होगा जहाँ से ये plants grow रहे हैं? So since plants grow in such walls, they retain moisture. क्योंकि ये plants यहाँ से ये wall में से
ग्रो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इस वॉल में क्या है, मॉइस्चर मींस नमी है। सच वॉल्स विल बिकम बिग इन द लॉन्ग रन, तो यानी ऐसी वॉल्स, ऐसी दीवार क्या होती है, लंबे समय के बाद कमजोर हो जाती है एंड दे कैन फॉल। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्लांट गिवन इन द पिक्चर? यस, इट इज अ पीपल ट्री। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो अबाउट द plants and about the function of roots. Remaining part of this chapter we will learn in the next video. Thank you and have a nice day.